नमस्कार साथियों, आज हम एक अच्छे मुद्दे पे बात करेंगे भाई, दुबई से रिलेटेड। कि ये बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जी हाँ, और काम करते करते कंपनी आपको, आज आप यहाँ शारजा में काम कर रहे हैं, कल को बोलते भाई दुबई चलो, फिर दुबई गए तो आप बोलते हो अबूधाबी चलो, शारजा चलो, रास अल खैमा चलो, ऐसे होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी आपको ज़बरदस्ती भेज देती है, आप जाना नहीं चाहते। जी हाँ, जबकि आपका अग्रीमेंट क्या बोलता है, मैन इंपोर्टेंट अग्रीमेंट है। ऐसा एक केस मेरे साथ अभी चल रहा है डिस्कशन, अभी उसका प्रतिबंध लगाने की पूरी संभावना थी, लेकिन एक प्रतिबंध तो उसके ऊपर रोजगार प्रतिबंध बोलते हैं, एक साल का बैन लगा देते हैं, दो साल का कंपनी बैन लगा देती है। अगर आप कंपनी का कहना नहीं मानते हैं तो कंपनी में इस्तीफा देते हैं, तो कंपनी आपको बैन लगा के इंडिया भेज देती है। क्या ये कितनी बात सच है, किस आधार पर कंपनी बैन लगा सकती है, बैन लगाए तो आप उनके खिलाफ में क्या एक्शन ले सकते हैं। आपका अग्रीमेंट है मैन, वो अग्रीमेंट की कॉपी आपके पास होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पूरी हम डिटेल से बात करेंगे कि कंपनी, जरूरी नहीं होता कंपनी के अधिकारी ने बोल दिया और आप वहां उसके कहने से जाएं, नहीं जी, आपका, आप शारजा में काम कर रहे हैं, वो जबरदस्ती आपको अबूधाबी में, दुबई में नहीं भेज सकता। वो क्यों नहीं भेज सकता, इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका, कहां आपका जो स्ट्रॉन्ग आप होते हो अग्रीमेंट के हिसाब से, डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप दुबई में रहते हुए, यूएई में रहते हुए, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप शारजा में काम कर रहे हैं, अबू धाबी में काम कर रहे हैं, काम करते हुए 3 महीने हुए हैं, कंपनी का जो मेन बॉस है या फिर फोरमैन या फिर आपका जो कोई भी अधिकारी है जो आपको ट्रांसफर करने का उनके पास अधिकार है, वो बोल देता है हाँ जी रमेश कुमार, कोई भी XYZ हो, आपको अभी अबू धाबी में जाना है, आप अबू धाबी से आपको दुबई में जाना है, यहाँ से आपका ट्रांसफर किया जा रहा है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। वो किस आधार पर विरोध कर सकते हैं, देखिए आप इंडिया से गए थे, ठीक है जी, आप अग्रीमेंट होके गए, कैसे गए वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, आप वहां गए थे तो आपका एक अग्रीमेंट हुआ था। जी हाँ, वो अग्रीमेंट बता दूं, मानव संसाधन मंत्रालय से अप्रूव्ड अग्रीमेंट होता है मोरे द्वारा। जी हाँ, उस अग्रीमेंट में बता दूं ये प्रोसेस कहां होता है, जो दुबई का रोजगार कानून है 1980, उसका जो कानून बना हुआ है 8 नंबर कानून में ये बात साफ साफ लिखी गई अग्रीमेंट की सेवा नियमों शर्तों के बारे में। जी हाँ, क्योंकि इसको थोड़ा संशोधन कर दिया था 2015 में डिग्री संख्या 766 में, ये प्रावधान किया गया था कि आपका जो अग्रीमेंट है मानव संसाधन मंत्रालय में जो अप्रूव हुआ था उसमें ये बातें मेंशन की गई थी कि भाई आपका पदनाम, आप इस जॉब में आए हैं, ठीक है जी, इतने टाइम से इतने टाइम इतना आपका ड्यूटी है, ये आप इतने टाइम से इतने टाइम आपका अग्रीमेंट है, यानी साल का, 2 साल, 3 साल जो भी है, और यहाँ के लिए आपका अग्रीमेंट है। अगर आप अबू धाबी का अग्रीमेंट है, 2 साल के लिए अबू धाबी का अग्रीमेंट हुआ है, ये बात इंपॉर्टेंट होती है, उस अग्रीमेंट में ये बातें लिखी होती है, लेकिन आपको नहीं पता होता है। और अग्रीमेंट 2 साल का अबू धाबी का हुआ है तो आप अबू धाबी में ही काम करोगे 2 साल, आपको कंपनी अपनी मन मर्जी से दुबई में, शारजा में नहीं भेज सकती, इस बात का ध्यान रखिए। फिर भी आप कंपनी को ये बातें बोल सकते हैं कि ये ऐसा है, फिर भी कंपनी अपनी बात पे अड़ती है तो आप कंपनी को बिना बताए इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ, आप इस्तीफा इसलिए इस आधार पे दे सकते हैं कि आप दुबई में जाना नहीं चाहते, दुबई आपको, आपका जो कंपनी है आपको ट्रांसफर दुबई करना चाहती है, आप काम अबू धाबी में करना चाहते हैं, अग्रीमेंट के हिसाब से आप सही हैं, ठीक है जी, तो आप इस्तीफा दे सकते हैं। अगर आप इस्तीफा देते हैं तो कंपनी फिर आपको रोजगार प्रतिबंध लगाने की सोचती है, 1 साल का 2 साल का। अभी एक केस चल रहा है मेरे साथ, रेगुलर बात होती है बंदे से, अभी उसका 1-2 दिन में वीजा कैंसिल हो जाएगा, वो उसको इंडिया आना है। जी हाँ, कंपनी उसके साथ गलत कर रही है, 17-18 घंटे ड्यूटी करवाना इस तरह से, तो अभी लंबे टाइम से कंपनी ने ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको मोहरे में भेजा गया, रेगुलर अपडेट हो रही है, अभी वो जल्दी निकल जाएगा। जी उनको बता सकते हैं कि जो कानून बना हुआ है अमीरात मंत्रालय द्वारा, आपका पंजीकृत, आपका जो रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है उसमें धारा 36 के अनुच्छेद 36 के अनुसार ये बातें बताई गई हैं कि आपका अग्रीमेंट अगर अबू धाबी का है उसमें तो आप अबू धाबी में ही काम करेंगे 2 साल, 2 साल के बाद आपको कंपनी ट्रांसफर कर सकती है, वो एक अलग बात होती है, क्योंकि आपका वीजा रिन्यू होता है तो अग्रीमेंट भी आपका दोबारा से होता है, तो वो चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है भाई, आप कंपनी का कहना नहीं मानोगे तो कंपनी तो अपनी हेकड़ी दुड़ाएगी ना, फिर तो वो आपको क्या करेगी, आप इस्तीफा दोगे तो वीजा कैंसिल तो होगा आपका, तो वो वीजा कैंसिल होने में मोहरे में संपर्क करके आपके ऊपर बैन लगवाने की सोचेगी, 1 साल 2 साल का आपका रोजगार प्रतिबंध। लेकिन इसके खिलाफ में आपको खड़ा होना
करवाना पड़ेगा मोहरे में जाके अग्रीमेंट के साथ में कि मेरा अग्रीमेंट 2 साल का ये मेरा लीगल अग्रीमेंट है जो आप ही ने बनाया है मोहरे द्वारा रजिस्टर्ड है, उसमें साफ साफ बात मेंशन की गई है कि भाई मैं दुबई में अबू धाबी में ही काम करूंगा 2 साल के लिए, तो कंपनी मुझे कैसे भेज सकती है। अगर ये आप लीगल बात वहां पे खड़े होकर क्रॉस पॉइंट पे आप बात करते हैं तो आपका रोजगार प्रतिबंध नहीं लगेगा और आप उस कंपनी से वीजा कैंसिल करवा के दूसरी कंपनी में वहीं पर आप जॉब कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। यह पूरा प्रोसेस कब बताया गया था बता दूं, जो मंत्री स्तरीय जो कानून में संशोधन हुआ था 13 के अनुच्छेद 2 में, उसमें यह बातें दोबारा से जोड़ी गई है कि आप इस तरह के प्रोसेस कर सकते हैं ताकि कंपनी आपके खिलाफ में आपका वीजा कैंसिल करके आपको रोजगार प्रतिबंध न लगाए। रोजगार प्रतिबंध लग जाएगा यानी 1 साल 2 साल का, तो आपको फिर इंडिया आना पड़ेगा, आप 2 साल तक दुबई नहीं जा सकते। इसके खिलाफ में आपको खड़ा होकर वीजा कैंसिल करेगी कंपनी, फिर वो अपना पासपोर्ट लें और दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देके आप अपना वीजा लगवा सकते हैं। जी हाँ, दूसरी कंपनी भी आपसे पूछेगी भाई उसमें कैंसिल क्यों किया आपने वीजा, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि सर मेरा ये अग्रीमेंट है, मेरा 2 साल का अग्रीमेंट यहाँ का था, कंपनी जबरदस्ती मेरे को ट्रांसफर कर रही थी, मुझे वहां जाना नहीं था तो इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। तो कंपनी सामने वाले को भी ये बात समझ में आ जाती है कि भाई बंदा एक्टिव है, इसको कानून का पता है, इसके लिए हम भी इसके साथ सही तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वरना भाई दिक्कत ही दिक्कत है इस दुनिया में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।